ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 6 अक्टूबर को सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या है और ये श्राद्ध का ही महीना है, तो कैसे आप इस दिन को सेलिब्रेट करें, क्योंकि पूरा जो 15 दिन का पक्ष श्राद्ध का पक्ष था, तो बहुत से लोग होते हैं जो डेली नहीं कर पाते हैं, तर्पण वगैरह नहीं कर पाते या अपने पितरों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। अभी तो अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता है, और जो लोग जानते भी हैं तो कई बार वो अपने सर्विस की वजह से, नौकरी की वजह से, या इतना ज़्यादा वो कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता, या वो समझ भी नहीं पाते कि उन्हें करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो अमावस्या की तिथि है, इस दिन जितने भी हमारे पितर होते हैं, चाहे वो नोन हो, अननोन हो, जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि उनकी कौन सी तिथि थी, किस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, ऐसे सारे पितरों के लिए आप इस अमावस्या तिथि को तर्पण कर सकते हैं या उनके लिए दान कर सकते हैं। इसीलिए ये तिथि इतनी महत्वपूर्ण है, और ये साल में एक ही बार आती है, क्योंकि जो हमारा पितृपक्ष का पूरा टाइम पीरियड होता है 16 दिन का, तो इसमें जो आखिरी तिथि है अमावस्या, उसमें हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से, उनके लिए दान दे सकते हैं, उनके लिए ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़का है या कोई किसी का पिता है वही ये चीज़ कर सकता है, इसको चाहे तो स्त्रियां भी कर सकती हैं, क्योंकि स्त्री हो या पुरुष हो, हैं तो हम सभी अपने पितरों के ही अंश हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो ये पितर का तर्पण होता है या उनके लिए जो कुछ हम करते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो केवल आदमी लोग करें या लड़के ही करें, औरतों को भी करना चाहिए, स्त्रियों को भी करना चाहिए, इससे कोई पाप नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता। बहुत लोगों के अंदर डर होता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं तो कहूँगी कि सभी को करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जितने भी कार्य होते हैं वो व्यक्ति स्वयं की शांति के लिए करता है। हम लोग जो पितरों को भी याद करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ करके क्या फाइनली हमें मिलता है, एक तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने एक अच्छा काम किया, या जिनके हम वंशज हैं, जिन लोगों से हमको ये शरीर मिला है, उनको हमने याद किया। क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है, और यहाँ पर सारी चीज़ों के लिए एक डिवीज़न किया गया हुआ है, जैसे कि देवताओं का लोक है, इसी तरीके से पितरों का लोक है, जैसे हम लोग मनुष्य लोक में रह रहे हैं, तो जो हमारे पितर लोग हैं, पितर जो हमारे पूर्वज जा चुके हैं शरीर छोड़ करके, वो जा करके पितृलोक में निवास करते हैं। अगर मैं इसको अपने दृष्टि से समझती हूँ, तो मुझे लगता है कि चाहे हम देवता हों, चाहे हम पितृ हों, या हम मनुष्य हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हम लोग हैं फाइनली एक ऊर्जा, एक एनर्जी ही हैं, और एनर्जी किसी भी फॉर्म में रहे, कहीं पे भी रहे, वो अपना प्रभाव ज़रूर देती है। तो अगर हम पितरों को ये मानते हैं कि वो पितृलोक में रहते हैं, साल में एक बार वो पृथ्वी पे आते हैं, और अपने जो उनके उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनके जो वंश, जो उनके आगे की जनरेशन है, उन लोगों से वो मिलने के लिए आते हैं, या उन लोगों से वो कुछ रिस्पेक्ट लेने के लिए आते हैं, या खाना लेने के लिए आते हैं, भोजन लेने के लिए आते हैं, हम जो भी उसको नाम दे लीजिए। लेकिन इसको मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सही है कि जिसके हम वंशज हैं, जिस एनर्जी से हम बॉडी में आए हैं, जिस एनर्जी का हम एक तरीके से एक्सपॉन्ड फॉर्म हैं, वो हमारे एंसेस्टर ही हैं, तो हमें उन्हें ज़रूर याद करना चाहिए। और इसीलिए ये जो अमावस्या की तिथि है, इस दिन पूरी कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हम अपने पितरों को उनकी तिथि पे नहीं याद कर सकते, उनकी तिथि पे नहीं उनका तर्पण कर सकते, उनको नहीं जल दे सकते, तो कम से कम अमावस्या के दिन सभी लोगों को एक ही साथ सम्मिलित रूप से याद कर लें, और उनके प्रति अपने अपना जो एक दायित्व है, जो एक जिम्मेदारी है, या उनके प्रति जो एक रिस्पेक्ट की भावना है, उसको जरूर पूरा करें। और ये सारी चीज़ें करने के लिए कोई बहुत बड़े खर्च की ज़रूरत या बहुत बड़े आयोजन की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहें तो किसी पंडित को बुला के करवा सकते हैं तर्पण या दान जो भी है, या आप चाहें तो स्वयं आप उनको जल दीजिए, स्वयं उनके लिए
जो भी चीज़ें हैं दान की चीज़ें आप उनको करिए, जल है, तिल है, ये सारी चीज़ों से आप उनको दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके याद करते हैं। लेकिन उनके नाम से जो भी चीज़ें उनको पसंद थी, वो सारी चीज़ें आप किसी गरीब में, किसी ज़रूरतमंद में ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करिए। उससे आपको बहुत आत्मिक खुशी मिलेगी, एक तरह का संतोष मिलेगा। तो अमावस्या की जो तिथि है, इसका सबसे बड़ा लाभ जो है इसी दिन के लिए है कि आप जब भी अमावस्या के दिन अपने पितरों की शांति के लिए या पितरों के निमित्त कुछ कार्य करते हैं, तो आपके जो प्लैनेट्स हैं, जो आपकी कुंडली में पितृदोष वगैरह होता है, उसमें भी बहुत राहत मिलती है। क्योंकि कुछ हमारे कर्म होते हैं जो हो सकता है कि पेंडिंग रह गए हों, या कुछ ऐसे कर्म हों जो हमने नहीं अच्छे से किए हैं और वो पितृदोष के रूप में हमारे हॉरोस्कोप में दिख रहा है। इसीलिए मोस्टली कहते हैं कि जब भी शनि और राहु कहीं हॉरोस्कोप में साथ होते हैं और वो बुरे ग्रहों से भी एस्पेक्ट हो जाएं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ पितृदोष को दोष की ओर इंगित करते हैं। तो इसलिए भी जो है अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों को याद करना चाहिए। और आप उनको प्योर एनर्जी के रूप में ही समझ सकते हैं कि ऊर्जा ही है। तो अगर आप उनको याद करते हैं, तो वो कहीं भी हों, किसी भी लोक में हों, किसी भी फॉर्म में हों, चाहे उन्होंने जन्म ले लिया है, जो भी है, उन तक आपके जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो जरूर पहुँचेंगे। तो आप लोग जरूर इस दिन को सेलिब्रेट करिए। सेलिब्रेट शब्द मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कम से कम सेलिब्रेशन के नाम पे ही अमावस्या को मना लीजिए। क्योंकि साल में जितनी भी अमावस्याएं आती हैं, 12 अमावस्या आती है साल में, सभी का अपना महत्व है और उस दिन जरूर दान करना चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा का दान इसीलिए कहा गया है कि जब हम अमावस्या का दान करते हैं, तो उससे हमारे पितृदोषों की शांति होती है। जो हमें पितरों से संबंधित हमारे ऊपर ऋण वगैरह रहता है, उससे हम मुक्ति पाते हैं, या उन चीज़ों का जो हमारे ऊपर कोई नेगेटिव या बैड इफेक्ट आ रहा होता है, वो सारा सेटल होता है। तो इस बार जो 6 अक्टूबर को अमावस्या है, आप लोग अपने पितरों के निमित्त जरूर से जल दीजिए। उनको खाना पीना जो भी आप उनके लिए बनाते हैं दीजिए। पंडितों को दान दीजिए, जो अच्छे पंडित हैं आप उनको सिद्धा दे सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप खाना बना करके या सिद्धा के रूप में किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। जो भी गरीब व्यक्ति है, नीडी पर्सन है, आप उस तक दान को जरूर पहुंचाइए। उससे आपको बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। और सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपको मोमेंट्री जो है एक पीस मिलेगी, रिलीफ मिलेगी, और आप अपने आप को ही बड़ा खुश पाएंगे। इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से बहुत ज़्यादा व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, बहुत से लोग जो बड़े साइंटिफिक माइंडसेट के होते हैं, उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या है, क्या ज़रूरत है इनको करने की। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र जो हैं, हमारे जो वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारा ज्योतिष है, ये कोई बहुत आसान या कोई बहुत सरल चीज़ नहीं है, बहुत ही गूढ़ विषय है। और जो इन क्षेत्रों में आता है, जो इसको पढ़ता है, समझता है, वही इसकी अर्थ को भी समझ पाता है। इसीलिए इन चीज़ों का इतना महत्व है और तिथियों का इतना महत्व है कि किस तिथि के दिन कौन सा कार्य करना चाहिए। तो जो अमावस्या की तिथि होती है, ये पितरों के लिए होती है, इसका संबंध सीधा पितर से होता है। तो अमावस्या के दिन आप हर एक व्यक्ति के लिए, जो आपके ब्लड रिलेशन में है उनके लिए भी, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, पूरे वर्ल्ड में जो भी नोन अननोन लोग हैं, सबके निमित्त आप जो है जल का दान कर सकते हैं। क्योंकि पितर जो होते हैं वो जल को ही ग्रहण करते हैं, और शरीरी होते हैं तो जल ही उनके लिए बहुत है, अन्न वो कहाँ खाएंगे। अन्न तो अपनी श्रद्धा बस देते हैं उनको। और आप सब लोगों को ईश्वर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे कि आप अपने जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा सिस्टम है, जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है, उसमें आप सभी लोगों की आस्था रहे, और आने वाली जनरेशन को भी आप ये सारी चीज़ें पास आउट करें। क्योंकि ये हमारा और आपका ही दायित्व तो है कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से जोड़ के रखें। क्योंकि जब भी हम अपने सिस्टम से जुड़ते हैं, अपने धर्म से जुड़ते हैं, अपने आध्यात्म से जुड़ते हैं, तो इससे हम कमज़ोर नहीं होते, बल्कि इससे हम और ज़्यादा मजबूत होते हैं, और ज़्यादा हम प्योरीफाइड होते हैं, और ज़्यादा हम अपने कर्म की ओर ओरिएंटेड होते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ज्योतिष, धर्म, आध्यात्म, कर्म, ये सब व्यक्ति को अकर्मण बना देता है, या उसको बहुत ज़्यादा नीरस बना देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें व्यक्ति को और ज़्यादा जागरूक बना देता है, और ज़्यादा विल फोकस्ड बना देता है। वो व्यक्ति और ज़्यादा अपने कर्म को समझने लगता है, क्योंकि हमारी लाइफ ही हमारे कर्मों का ही प्रतिफल है। जो कुछ हम करके आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको ये लाइफ मिली है। तो अपने संस्कृति को, अपने वेद पुराणों को, अपने ज्योतिष शास्त्र को, इनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। एटलीस्ट रिस्पेक्ट ना करें तो उनको आप
गलत भी ना समझें कि ये चीज़ें गलत हैं। जो विज्ञान धीरे धीरे चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा है वो हमारे वेद पुराण, हमारे ज्योतिष बहुत पहले ही बता के जा चुके हैं। इसको कोई एस्ट्रोलॉजर ही अच्छी तरह समझ सकता है कोई। इसीलिए जो बहुत अच्छे वैज्ञानिक होते हैं वो भी ज्योतिष को समझते हैं, मानते हैं और ईश्वर को भी मानते हैं, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति तो है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। और हर एक शक्ति किसी भी फॉर्म में हो, सब कुछ एक ऊर्जा है, एनर्जी है। तो हमारे पितर जो हैं वो भी एनर्जी ही का ही फॉर्म है। आप उनको किसी भी लोक से जोड़ दीजिए, उससे एक अलग बात हो जाती है। लेकिन उनको याद करना मतलब कि हम स्वयं ऊर्जा हैं और किसी ऊर्जा को याद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉजिटिविटी से भरती हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरती हैं और हमारी लाइफ को भी पॉजिटिव बनाती हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।